ओवी स्टूडियो प्रेजेंट्स एक अनकही कहानी। अब सुनिए विवेक पारिक की लिखी कहानी वैदेही, प्रोड्यूस्ड बाय होवी रिकॉर्ड्स और आवाज है संगीता सिंघल की। सिद्धि इंसान ही बदलाव लाता है, जिद कुछ करने की, जिद कुछ कर गुजरने की। ऐसी ही एक जिद के साथ वैदेही निकल पड़ी शब्दों को तस्वीर बनाने। अगली सुबह जब वैदेही जा रही थी तो गुरुजी ने उसे बुलाया और एक डिब्बा उसके हाथ में थमा दिया और बोले, इसे तब खोलना जब तुम्हारी सारी उम्मीदें हार जाएं। वैदेही ने पूछा, इसमें क्या है? गुरुजी ने हंस के बोला, उम्मीद। वैदेही कुछ समझ नहीं पाई। गुरुजी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, कुछ बनना है तो काम करना है, उसी से रोजी रोटी चलेगी, वरना खाली जेब के सपने फटे रास्ते से लुढ़क जाते हैं। वैदेही सबसे पहले गुरुजी के दिए पते पर पहुंची और उसने एक ढाबे पर बर्तन मांजने का काम शुरू किया। हर रोज वहां लोग आते, खाना खाते और उनकी झूठन को साफ करके वैदेही सो जाती। हर रोज ये सिलसिला चलता रहा। वैदेही को जैसे ही काम से कुछ देर आराम मिलता, वो टीवी देखने लग जाती। टीवी पर एक दिन उसने कुछ सुना। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के मौसम की। ऐसा लग रहा है कि सर्दी यहाँ पर रौद्र रूप दिखा रही है। एक नई रात, दिल्ली फिर से कोहरे की आगोश में जकड़ने लगी थी। ठंड से बचने के लिए लोग सिगड़ी जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने बोला, इस बार ये ठंड जान लेट जावेगी। और उनकी नजर ठंड में ठिठुरती वैदेही पर पड़ी। अब शायद वैदेही वो नहीं रही जो कहानी के शुरू में रही होगी। अब उसके हाथों पर एक मोटी परत आ गई थी। कपड़े फटे मैले से हो गए थे। उस आदमी ने वैदेही से पूछा, एरी छोरी, तुझे ठंड नहीं लाग रही के? तभी वैदेही बोलती है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। सब लोग स्तब्ध रह जाते हैं और सोचने लगते हैं, एक बर्तन मांजने वाली और ऐसी सोच। मगर कोई था जिसने ये सब देखा। कौन था वो, जानेंगे अगले भाग में। कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।